हाय गाइस, आज का मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद वैसे राजस्थान के बीच। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था और बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने बनाया 158 रन 20 ओवर में। राजस्थान की टीम ने एक बॉल रहते ही 163 रन बना लिए और इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया। तो चलते हैं अवार्ड सेरेमनी की तरफ। पहला अवार्ड प्लेयर ऑफ द मैच, ये अवार्ड मिला राहुल तेवतिया को 45 रन इन 28 बॉल्स। इसके लिए उन्हें 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। दूसरा अवार्ड एल्ट्रो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, ये अवार्ड मिला केन विलियमसन को स्ट्राइक रेट 183.33। इसके लिए उनको 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। अन अकेडमी मोस्ट सक्सेस अवार्ड, और ये अवार्ड मिला मनीष पांडे को फॉर 3 सिक्सेस। इसके लिए उनको 1,00,000 रुपये दी गई। नेक्स्ट अवार्ड क्रेड पावर प्ले ऑफ द मैच अवार्ड, और ये अवार्ड मिला खलील अहमद को 2 for 14 इन 2 ओवर्स इन पावर प्ले। इसलिए उनको 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड, और ये अवार्ड मिला मनीष पांडे को फॉर मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट एंड इज एक्सलेंट परफॉर्मेंस। इसलिए उनको 1,00,000 रुपये और एक ट्रॉफी दी गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, और क्रिकेट से रिलेटेड और भी कंपैरिजन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।